तो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी के साथ सामने आ गई एक नई रेसिपी के साथ। इस रेसिपी की खास बात है इसकी ग्रेवी है। तो ये मलाई कोफ्ता, लेकिन जो ये कोफ्ता की ग्रेवी है ये है कुछ स्पेशल। ना ही ये लाल ग्रेवी है, ना ही ये वाइट ग्रेवी है, ये समथिंग डिफरेंट। सबसे पहले मैंने एक छोटा घिया कद्दूकस कर लिया, उसमें मैंने 2 चम्मच बेसन डाला, अजवाइन डाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, इस पे थोड़ा सा ग्रेट करके, अगर हम अदरक और हरी मिर्च को ग्रेट कर देते हैं ना, कोफ्ते की टेस्ट बहुत अच्छी हो जाती है। और उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच किशमिश। मान लीजिए 8-10 अगर आप किशमिश डाल देते हैं तो वो भी और अच्छी हो जाती है। तो वो मैंने मिक्स कर दिया। आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है कोफ्ता बनाना। तो और अब इस रेसिपी को देखने के बाद लगेगा इसका ग्रेवी बनाना भी बहुत इजी है। जनरली हम लोग कोफ्ते की ग्रेवी जो बनाते हैं और तो वो प्याज अदरक लहसुन टमाटर की ग्रेवी होती है, और उसको थोड़ा सा और मैंने डिफरेंट वो देने के लिए इसमें दूध डाल देते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो हम कोफ्तों को तल लेते हैं, जैसे हम तलते हैं वैसे तल लेंगे। अगर आपको लगता है 2 चम्मच बेसन के साथ आपका कोफ्ता थोड़ा नरम हो रहा है और थोड़ा सा चाहिए पानी पानी है, थोड़ा सा आप और मिक्स कर सकते हैं। कोफ्ते की साइज़ वो आपके ऊपर डिपेंड करेगी, आप किस तरह का घर में बनाते हैं। कोई बड़ा बड़ा कोफ्ता किसी घर में, कोई बड़ा बड़ा कोफ्ता पसंद करता है, कोई छोटा छोटा पसंद करता है। और इसको तलने के बाद हम इसको एक टिश्यू पेपर पे निकालेंगे, जिससे कि टिश्यू पेपर पे क्यों रखते हैं, इसलिए रखते हैं कि उसका जो एक्सेस ऑयल होता है टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेता है। एक लॉट हमारा बन चुका, ये दूसरा लॉट भी तैयार है। अब हम चलेंगे ग्रेवी की तरफ। चैनल को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर कुछ पूछना है ना तो कमेंट बॉक्स पे आप लिख के पूछ सकते हैं। कुछ आइडिया किस तरह से मैं चैनल को और अच्छा कर सकती हूँ वो भी आप बता सकते हैं। फिर मैंने 1 चम्मच चावल को ग्राइंडर में डाला, जिसको मैं पीसूंगी। चावल को पाउडर बना लेना है। ये 4 लोगों के लिए सफिशिएंट है। अगर 4 से ज़्यादा लोग हैं तो 1 चम्मच का 2 चम्मच कर लेंगे। उसी हिसाब से आपका कोफ्ता भी बढ़ेगा, हर चीज़ बढ़ जाती है। जो स्टैंडर्ड रेसिपीज़ होती हैं वो 4। तो अब ऑयल बहुत ज़्यादा है तो इसको हम कम कर लेते हैं। कम थोड़े से ऑयल में ही बन जाएगी हमारी ग्रेवी। इसमें हम डालते हैं जीरा, तेज़पत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी, थोड़ा सा छोटी इलायची, 2 खोल के और लाल मिर्च। और फिर ये हमारा चावल का जो पाउडर है वो मैंने डाल दिया। 2 मिनट धीमी आंच पर इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई इसलिए करते हैं कच्चे चावल की स्मेल चली जाती है। अब ये ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका। अब हम इसमें डालेंगे 1 ग्लास भर के दूध। थोड़ा सा दूध पानी मिक्स करके भी डाल सकते हैं, और अगर ग्रेवी को बढ़ाना है तो और ज़्यादा भी दूध डाल सकते हैं। उसमें थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, नमक और थोड़ा सा चीनी, वो अपने टेस्ट के हिसाब से मिक्स करेंगे। अगर आपको थोड़ा मीठा खाना है तो चीनी डालेंगे, नहीं खाना है तो नहीं डालेंगे। इसको 2 मिनट तक पकने देते हैं, धीमी आँच पर इसको उबलने देते हैं। थोड़ा गर्म मसाला मिक्स कर दिया। तो अब हमारी ये ग्रेवी तैयार हो गई है ना, अच्छी इंटरेस्टिंग ग्रेवी। फिर हम इसमें कोफ्तों को डाल देते हैं। सबसे ख़ास बात, जब मैं ये बना रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कोफ्ता नहीं टूटेगा। चलिए देखते हैं कि कोफ्ता कैसा रहता है। और मैं देख रही हूँ हमारा कोफ्ता बिल्कुल अच्छा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।